हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक क्लासिक आई है, देख सकते हैं। इसके आगे के ब्रेक दोस्तों फेल हो गए हैं, मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, देख सकते हैं आप, ब्रेक दबाने पर भी कुछ काम नहीं कर रहे। चलिए हम इसको खोल के देते हैं। देख सकते हैं इसमें ऑयल भी था, फिर भी ब्रेक नहीं लग रहे हैं। अब इसको खोलने के लिए अंदर की तरफ एक लॉक होता है, उसको निकालना पड़ेगा। मैंने लॉक को निकाल लिया है और ये कुछ इस तरीके का मेजर किट इसमें लगता है। देखिए हमारे पास जेन्युइन है, 250 रुपये इसकी कीमत है और हमेशा ब्रेक में .4 का ब्रेक ऑयल यूज करिए। ठीक है, चलिए इसे अब खोलते हैं। कुछ इस तरह से स्प्रिंग को बिठा लेना है और फिर इस ग्रीस को इस मेजर किट पे अप्लाई करना है। देख सकते हैं आप, फिर इसको इसके अंदर ऐसे पुश करना है और लॉक बिठाने से पहले ही इसमें ब्रेक ऑयल डाल लेना है। और अब ब्रेक ऑयल डालने के बाद इस मेजर किट को अंदर बाहर प्रेस करते रहना है जब तक कि इसकी सारी एयर ना निकल जाए, कुछ इस तरह से। देख सकते हैं अभी भी एयर निकल रही है इसमें से। ठीक है, और पूरी तरह से एयर निकलने के बाद इसका लॉक बिठा देना है। लॉक बिठाने के लिए आपको प्रकार की नोट प्लायर की जरूरत पड़ेगी। ये अपनी जगह पर बैठ गया।
अब इस बुश में भी थोड़ी सी ग्रीस को अप्लाई करना है और फिर आगे का जो ब्रेक का लीवर है उसमें भी थोड़ी सी ग्रीस अप्लाई कर देनी है ताकि ब्रेकिंग स्मूथ हो सके। देखिए अब ब्रेक प्रॉपरली काम कर रहे हैं। एयर निकालने के लिए आप नीचे का भी नट खोल सकते हैं पर यह तरीका मतलब आसान है, इस तरीके से एयर जल्दी निकल जाती है। अब ऊपर की कैप बिठा लेते हैं। देखिए अब ब्रेक एकदम सही तरीके से काम कर रहे हैं। थैंक यू।